ये देखिए चोटियों पे हिमपात बर्फबारी पिछले कल रात को हुई है और ये अक्टूबर का पहला हफ्ता है। आप सोचिए ठंड कितनी होगी। पूरे तरीके से अपने आप को कवर करके रखा है, मोटे मोजे जूते और जैकेट मफलर पहनकर बिल्कुल अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश है। टेम्परेचर लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास है। आप चोटियों में हिमपात, ये पिछले कल का ही है। मौसम खराब है, आज बादल छाए हुए हैं दूर दूर और धूप नहीं खिली हुई है। ये सुबह का लगभग 8 बजे का टाइम है। आप देखिए ये घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयाँ, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं पहाड़ के बीचों बीच हूँ, ये नीचे खाई देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितनी गहरी खाइयाँ हैं। ये पार जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आप सोचते होंगे यहाँ तो कोई नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार यहाँ पर लोग चढ़े हैं, उतरे हैं, कई तरह की जड़ी बूटियाँ, अन्य सामान यहाँ से इन्होंने लाया है और एडवेंचरस के लिए भी यहाँ पर लोग शौकिया तौर पे जाते हैं। ये देखिए ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मैं गया हूँ इस चोटी पर आज से कुछ साल पहले। ये जो गहरी खाई में ये जो नदी दिख रही है, नदी की धारा दिख रही है, इसे भी मैंने कई बार क्रॉस किया है बहुत साल पहले, कि अब 7-8 सालों से नहीं जा पाया हूँ। और ये देखिए इन चोटियों पर जहाँ बर्फबारी की चादर दिख रही है सफेद, इन पहाड़ियों पर भी मैं चढ़ा हूँ, 2-3 बार गया हूँ। बहुत मुश्किल रास्ता है, जाना हथेली पर रख कर जाना पड़ता है, लेकिन हम इंजॉय करते थे बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं पहाड़ के बीचों बीच हूँ, ऊंची चोटियाँ अभी बाकी है, काफ़ी ऊंचाई तक है ये। वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग आधा घंटा और लगेगा, ये मुश्किल रास्ता है। देखिए हम वहाँ से होकर आए हैं, ये नीचे आपको गांव दिख रहे हैं, वो नीचे बहुत नीचे खेत भी होंगे, इनमें से होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए हमारे भीड़ बकरियाँ, ये हमारे पशु, ये भीड़ बकरियाँ हैं पूरे ढलानदार क्षेत्र में फैले हुए हैं। नीचे हमारे गाय भी है जो अभी काफ़ी नीचे है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे इधर, देखिए यहाँ गांव दिखेगा आपको थोड़ी देर में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बार फिर से आप एंजॉय कीजिए इन चोटियों को जो हल्की बर्फबारी की सफेद चादर से ढकी हुई है। आगे एक नज़ारा और खूबसूरत दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है, बादल हैं, हल्की सी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर देखिए चोटी आपको दिख रही है, मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। यहाँ से देखिए इस तरीके से ढलानदार इलाका है ये, हम यहाँ नीचे से होते हुए आए हैं, इस इलाके से होते हुए आए हैं। इधर खेत आपको दिख रहे हैं, इसके कॉर्नर में जो इलाका है, जो ढलानदार है, काफ़ी गहराई है इसमें, यहाँ से होते हुए आए हैं। लगभग 1.5 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं, आप बिना काम के सफ़र नहीं कर सकते हैं। मैं भेड़ बकरियों के साथ हूँ तो इनके सहारे इंजॉय भी कर रहा हूँ और चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ। मुश्किल रास्ता है, आसानी से आप नहीं चल सकते हैं, लेकिन यही यहाँ के लोगों का जीवन है, यही यहाँ के लोगों की दिनचर्या है। लगातार अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से आजीविका के साधन जुटाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर का पहला महीना है ये, लेकिन बर्फबारी ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है इस घाटी को, तो लोग लगभग अगले 6 महीनों के लिए 4 दीवारी में बंद हो जाएंगे, बाहरी दुनिया के संपर्क से कट जाएंगे और इन्हें अपनी जीने की सभी जरूरी वस्तुएं जुटानी होती है, इकट्ठा करनी होती है, स्टोर करनी होती है और फिर 6 महीने बाद ये बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। ये गांव अभी भी सड़क से नहीं जुड़ा है, लाइट की फैसिलिटी भी अभी बहुत ही निम्न स्तरीय है। यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क या टेलीफोन जैसी फैसिलिटी का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है, आप देख सकते हैं। और बीमारी होने पर, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इलाज की
संभावनाएं नाम मात्र की हो जाती है। चारों तरफ खूब बर्फबारी रहती है, भारी पात होता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं। आप देखिए अक्टूबर में ये हाल है, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी ये चार महीने बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ के लोगों के लिए। भेड़ बकरियां, हमारी भेड़ बकरियां यहाँ पहुंच चुकी है। ये आगे देखिए बर्फबारी का जो कल ही रात को हुआ है ये हिमपात, इसका नज़ारा देखिए आप, किस तरह से चोटियों को पूरे तरीके से अपने आगोश में ले लिया है। हल्की सी ये चादर जो बर्फबारी की बिछी हुई है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए यहाँ पर इस टापू पर आपको कुछ घर दिखेंगे, एक चबूतरा टाइप है, ये पठार टाइप है छोटा सा। ये मेरा ननिहाल है, यहाँ मैंने बचपन में खूब इंजॉय किया है, खूब आनंद उठाया है, पहाड़ों का, जंगलों का, एडवेंचरस लाइफ का। छोटे बच्चों की हमारी एक टोली हुआ करती थी जो खूब इंजॉय। ये मेरा गांव है, ये जो घर आपको दिख रहे हैं, ये खेत खलिहान, ये नदी की धारा चिनाब नदी की सहायक नदी है, और आगे से भी एक छोटी सी नदी की धारा आपको दिख रही होगी, ये भी चिनाब नदी की सहायक नदी है। बहुत ही मुश्किल जीवन यहाँ के लोग बिताते हैं, आधुनिक सुविधाओं का भारी अभाव अभी भी यहाँ दिखता है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए आधुनिक युग में वो नहीं मिल पा रही है, एक गंभीर चुनौती है, और बड़ी मुश्किल से लोग अपना जीवन बसर करते हैं। अगले 6 महीनों के लिए अक्टूबर का, जैसा कि मैंने आपको बताया पहला हफ्ता है, 6 महीनों के लिए ये चार दीवारी में बंद हो जाएंगे, इन पहाड़ों की चार दीवारी में कैद हो जाएंगे, बाहरी दुनिया के संपर्क से कट जाएंगे, घरों तक सीमित इनकी जिंदगी हो जाएगी। ये पशुपालन और खेती बाड़ी इनका मुख्य व्यवसाय है, और गर्मियों में ये पशुओं के लिए सूखा चारा इकट्ठा करके रखते हैं ताकि सर्दियों में उन्हें जीवित रखा जाए, उन्हें उन्हें भोजन दिया जा सके। अपने लिए भी अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं स्टोर करके रखी जाती है अगले 6 महीनों के लिए। बहुत मुश्किल होता है, और कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये टापू छोटा सा, ये चबूतरा जो आपको दिख रहा है, पिछले साल भी भारी बर्फबारी के चलते ग्लेशियर की चपेट में आ गया था, ये लगभग 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उन घरों में उस दिन कोई नहीं रहता था, साथ वाले घरों में लोग रहते थे, लेकिन साथ ही घर यहाँ पर है, लेकिन सौभाग्यवश ग्लेशियर का मुख दूसरी ओर मुड़ गया और ये सभी लोग सुरक्षित बच गए। कुछ पशुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन लोग सुरक्षित रहे, ये एक अच्छी बात थी। तो ये देखिए चट्टाने, मैं चट्टानों के बीच में से जा रहा हूँ, ये देखिए बहुत मुश्किल है, मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भेड़ बकरे और गाय जो पशु है हमारे यहाँ पहुँचे हैं, ऊपरी हिस्से में है ज़्यादातर, ये हमारा गांव है। ये एक धारा जो बह रही है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी में से एक है, और देखिए ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ और चोटियों पर बर्फबारी की सफ़ेद चादर आप देख सकते हैं। ये हमारा गांव, और मैं इन पहाड़ों के बीच में से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफ़ी मुश्किल है, मुझे रास्ता बदलना होगा, नीचे से जाना होगा। और ये देखिए मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर गिरी हुई है, और इनके बीच में से मैं खुद आगे निकलना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे पशु, गाड़ी, भेड़ बकरियाँ और याक, याक और गाय की हाइब्रिड जिसे हम चूरी कहते हैं वो बीच में है, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, बहुत शानदार लाइफस्टाइल यहाँ की है, बहुत मुश्किल भी है, जुझारूपन यहाँ के लोगों में है, मुश्किल लाइफ, कठिन परिस्थितियों में यहाँ लोग सरवाइव करते हैं,
टेम्परेचर लगभग 5 के आसपास, अभी भी सुबह के 9 बज चुके हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये भारी ठंड इन 3 महीनों में होती है, माइनस के आसपास, जहाँ बिंदु से लेकर -20 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, घरों में दुबक कर रहना होता है, बर्फबारी भारी होती है, कई बार 10-10 फीट तक भी बर्फबारी यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, कच्चे घर होते हैं, मिट्टी और पत्थरों और लकड़ी से बने हुए ये घर होते हैं, छत भी इनकी लकड़ी और मिट्टी से बनी होती है। तो मौसम के हिसाब से ये वातावरण अनुकूलित माने जाते हैं। ये घर सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं और गर्मियों में अपेक्षाकृत ठंडे घर रहते हैं ये। तो तापमान को बनाए रखने के लिए और कठिन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए, जो जलवायु या तापमान संबंधी जो विकट परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं। घरों में खिड़कियां बहुत कम होती है, छोटी खिड़कियां रखी जाती है, दरवाजे भी अपेक्षाकृत कम रखे जाते हैं, छोटे रखे जाते हैं, ताकि टेम्परेचर बना रहे घर का, ज्यादा ठंड ना हो घर में। अधिकांश मामलों में घर में आग जलाकर रहना पड़ता है ठंड से बचने के लिए, जरूरी भी है। ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े अब लगभग अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं और ये अप्रैल तक लगातार चलते रहते हैं। मई से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, 15-20 के आसपास पहुंचना शुरू हो जाता है, लेकिन मुश्किल से 25 क्रॉस करता होगा। बहुत पीक टाइम में भी, जून के मौसम में भी टेम्परेचर 25 क्रॉस करता नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी ठंड ऐसी है, मैं कैमरे को प्रॉपरली पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, हाथ कांप रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहने हैं मैंने हाथ में, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ, और ये देखिए हाथ में ठंड का असर दिख रहा है, जबकि अभी लगभग 10 बजे का टाइम है। ये आप देख सकते हैं आसमान में सूरज चढ़ा हुआ है, लेकिन बादल है, ठंडा है, पिछले कल बर्फबारी के चलते टेम्परेचर काफी कम हो चुका है। और ये घाटियां गहरी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें बर्फबारी आप देख रहे हैं लगातार, मैं आप लोगों को वही नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ जो दर्शनीय है, देखने योग्य है और एंजॉय करने योग्य है। ये दिन के लगभग 10 बज चुके हैं, 10:30 के आसपास का समय है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में धूप भी देखने को मिल रही है। देखिए इस तरह से मैं नजदीक से आपको पहाड़ों को दिखा रहा हूँ, इन पहाड़ी जो चोटियां हैं इन चोटियों पर मैं गया हूँ आज से कुछ साल पहले, बहुत ही खतरनाक पहाड़ियां हैं ये। ये देखिए धूप बीच बीच में खिली हुई है, लेकिन ठंड का आलम यह है कि मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। और ये हमारे भीड़ बकरियों का झुंड जो लगातार जिनके साथ में बना हुआ हूँ, साथ साथ हमारे साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम इनके मुहाने को रोके हुए हैं, इनके आगे हिस्से को रोके हुए हैं, ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहें, दूर ना भागे। ये देखिए बादलों का झुंड और ये देखिए बीच बीच में धूप भी खिली हुई है, लेकिन टेम्परेचर ऐसा लग रहा है जैसे माइनस के आसपास है। मेरे हाथों में जकड़न ठंडक देखने को मिल रही है, देखिए इस तरह से ठंडे हो गए हैं।
ये देखिए शाम के लगभग 3:30 बजने वाले हैं और ठंड बहुत बढ़ चुकी है। अभी हवा चल रही है, हवा चलने से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंडी ठंडी हवा है और आसमान में काली और सफेद बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी। ये चोटियों पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन चोटियों पर आप देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की, और बाकी भी चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। हम अब लगभग कंक्लूड करने वाले हैं, हम वापसी की ओर है, अब घर की ओर जाने वाले हैं। ये जो नीचे आपको घर दिख रहे हैं यहाँ तक हमें पहुँचना है, यहाँ मैं अपने घर तक भेड़ बकरियों को पहुँचाना है। बीच में ये खेत आपको दिख रहे हैं, ये बीच में धारा बह रही है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी कह सकते हैं इसे आप। ये देखिए काफ़ी ऊँचे पर्वत श्रृंखलाएँ और धीरे धीरे घाटी को ठंड अपनी चपेट में लेते हुए, ये देखिए हमारी भेड़ बकरियों का थोड़ा सा झुंड यहाँ पर पहुँचा है। एक ही सा है, ये बाकी दूसरे नहीं। मैं मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से चढ़ते हुए देखिए इन पहाड़ियों से छोटे छोटे चट्टानों से चढ़ते हुए यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से मुझे क्रॉस करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्रॉस कैसे करना है, बहुत आसानी से होता नहीं, ये मुश्किल है। ये देखिए बिल्कुल चट्टाने हैं, इन चट्टानों के ऊपर से जाना है अगर आपने तो बहुत मुश्किल है, पांव टिका के जाना होता है। मैं हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ता हुआ, ये देखिए मैंने इसे क्रॉस कर लिया है। ये लगभग 4 बजे का टाइम ये है और बारिश शुरू हो चुकी है, तेज बारिश हो रही है। ये देखिए मैं छाता लेकर बैठा हूँ और आप बारिश का अनुमान लगा सकते हैं, छाता हवा से उड़ रहा है, पानी की बौछार भी हो रही है। और ये देखिए किस तरीके से बारिश अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ही तेजी से बादल घिरते जा रहे हैं चारों तरफ से, ठंड बहुत तेज हो गई है। मेरे हाथ में छाता है और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, बहुत ठंड हो रही है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये दिखाया जाए कितनी मुश्किल स्थितियाँ यहाँ होती है, किस तरीके से यहाँ की जीवन शैली चलती है, जीवन स्तर किस तरह का है यहाँ का, आधुनिक सुविधाओं से वंचित ये क्षेत्र। देखिए हमारे भेड़ बकरियाँ धीरे धीरे गाँव वापिस घर की ओर आना शुरू कर रहे हैं। ये गांव है, गांव हमें इसी गांव में जाना है, नीचे से सबसे नीचे गांव दिख रहा है। ये धारा मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, बारिश तेज हो चुकी है, वीडियो ज़्यादा देर नहीं बन पाएगा, मैं मोबाइल को बंद कर रहा हूँ, कैमरे को बंद कर रहा हूँ। ये देखिए हम भेड़ बकरियों को लेकर वापिस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, बारिश तेज हो चुकी है, ठंड है, ये भेड़ बकरियाँ भी ठंड से कांप रही है, ये बचने के तरीके ढूंढ रही है। ये देखिए देवी माँ का ये भव्य मंदिर यहाँ पर स्थित है, हर साल यहाँ मेले लगता है और मेले को हम एंजॉय करते हैं, सभी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये हमारे गांव की कुल देवी है, हम सभी श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं अपनी देवी माँ को। और